कुछ नामों की आज्ञा लगी है, जिन्हें हम बुलाएं उन्हीं को आना है। पूज्य पाद श्री सन्यासी यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर जाओगे। सो गाइस फाइनली अब हम पहुंच गए छतरपुर और ये है इसका लोकेशन। देखो सब लोग बोलना जय बागेश्वर धाम। देखो इतना सही लग रहा है ना, अभी रात हो रही है और शास्त्री जी तो कल ही आ गए, मतलब कल हो जाएंगे दर्शन। मैं दिखाती हूँ आपको कैसा है पीछे से। सो गाइस फाइनली अब हम पहुंच गए हैं बागेश्वर धाम और ये है यहाँ का पार्किंग लॉट। यहाँ पे बहुत लोग ऑटो से भी आ रहे हैं और ये दुकानें इधर ही है रुकने का। गाइस अभी देखो रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं और माहौल देखो यहाँ का, लग रहा 12 बज रहे हैं। यहाँ है देखो ये पब्लिक टॉयलेट, कुछ नहाने का होगा। हाँ वाह फोटो शास्त्री जी की, कहीं हो रहा है ये पुराना बज रहा है नया। हम देख आते हैं सुन आते हैं कहीं तो मिल जाएंगे। क्यों सो एक घर में रहते ही नहीं बज रहे हैं यहाँ से लगता है। क्या करूँ जी नहीं हो रहा कहीं पे। ये देखो अर्जी के नारियल। ओ भाई हम तो सबको दिखाएंगे। राम राजा ओरछा धाम वृंदावन धाम ओरछा धाम। ये देखो फोटो वो है वहां रुकते हैं वो। अरे हाँ घर नहीं है ये, मंदिर के साथ जो रहता है ना यही लगेगा कल दरबार, परसों कहीं और लगेगा शायद। मैंने भी ऐसे आ रहे हूँ सब ऐसे।
चलो नारायण सक्सेना। यहाँ तुमने अपना नाम, अपनी समस्या, अपनी हुलिया किसी को बताई? अच्छा, एक प्रश्न और पढ़िए। मन उच्चाटक परेशान है, ये आपका नाम है, पिता का प्रश्न लेकर के आ इसी के साथ आज का दरबार विराम, कल तक के लिए जय सियाराम। अब आ जाओ, रेलिंग से निकालते सर, खोल दीजिए, इकट्ठे नहीं। गाय आए भी पाली लगी रे हाँ। गाइस आज हम फाइनली उनसे मिल ही लिए पास से, और मैंने वीडियो बनाई है बहुत मस्त मस्त, देखो। अंदर बैठे क्यों होंगे? देखो ऐसा सोने वाला है। फाइनली गाइस अब मैं तैयार हो गई हूँ और मम्मी भी तैयार हो रही हैं, और अब हम जा रहे हैं मेन मंदिर के दर्शन करने। और कल हमको क्या मस्त दर्शन हुए यार बागेश्वर धाम के, मैं आपको क्लिप डालूंगी। ऐसा लग रहा था ना वो बिल्कुल सामने ही यार, और पता क्या हुआ मैं तो उनकी गाड़ी के आगे आ गई, वो धक्का मुक्की के चक्कर में, फिर मैंने कहा यार, और वो गाड़ी वाला रुक भी नहीं रहा था, ऐसे ठीक ही कर रहा था,
लेकिन धक्का मुक्की बहुत हो रही थी, लेकिन इतने पास से दर्शन हुए ना, बहुत अच्छे। अब मैं दिखाऊंगी आपको मंदिर के दर्शन। देखो हमने भैया की दुकान से प्रसाद लिया और ये यही क्या है। अब कुछ तो बताओ शास्त्री जी के बारे में। शास्त्री जी के बारे में अब क्या बता दें आपको, बताइए आप कुछ भी बता दो। वैसे उनकी अच्छाई करने के लिए काई मुकाम है। अच्छाई तो सब है ही है गुरु जी की, तो बता दो फिर एक आध। आप मिले उनसे? अभी पहले मिलते रहे, अभी नहीं मिलती है, टाइम ही नहीं है गुरु जी के पास इतना। हाँ कथा भी तो करनी होती है। ये देखो इनकी दुकान यहाँ पे भैया, आज दरबार लगने वाला है। देखो गाइस हम अपने प्रसाद भी ले लिया है, जाने दर्शन करने। जय सीताराम, जय राधे सुधाम। एक माता बहन का बिछिया हो गया है, वो राम दरबार में मिल चुका है। आप दूसरा दिखा करके अपनी बिछिया प्राप्त करें। सीताराम मिले हो बागेश्वर धाम से? हाँ अभी निकले तो थे मंदिर से, बाबा जी यहाँ से निकले थे इस खिड़की में से। अच्छा कौन सा वाला कमरा है उनका? बीच वाला। आप कैसे अपने मन से निकलते हैं आप वो राम दरबार में? कितनी देर पहले निकले? आधा घंटा हो गया पहले सामने वाले गेट से निकले। ये है परिक्रमा का वो भैया, और यहाँ पे भैया अरे मंदिर। और आपको थाली लगनी है? थाली लगवा लो फिर हम जाने खाना। चार चार गया गया कहाँ गया ये दोस्त, कहाँ है ये? अभी तो बता रहे थे नाम उनका, अभी डालती रुक तेरी वीडियो। सो गाइस फाइनली अब हम आ गए हैं और जाने लगे हैं महाकाल, और हमारे बागेश्वर धाम के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। और मुझे और भैया को तो कल ही दिख गए थे बागेश्वर धाम, और इतने पास से दिखे ना, और मम्मी को नहीं दिखे, लेकिन आज हम उनको फोटो दे आए, हम तक पहुँच गए। हाँ मम्मी को कहा दिखे थे तुम्हें? हाँ मम्मी को नहीं दिखे, सो गई थी ना ये, इसलिए हम तो दो बजे तक रुके थे। इनको मोबाइल में दिखे लेकिन हमको वो इतने पास में दिखे ना। हाँ हमने लाइव दर्शन करे हैं, और आप लोग भी जरूर आइए बागेश्वर धाम, और बहुत अच्छी जगह है। और लेकिन आना तो देख के आना, और कूड़ा वूड़ा मत करना इधर, और साफ सफाई का ध्यान रखना, और सबके साथ तमीज से रहना,
और लहसुन प्याज छोड़ने की जरूर कोशिश करना, तभी तुम्हारी अर्जी जल्दी स्वीकार होगी। जय सियाराम।